हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप और आपकी फैमिली सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें 2 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है, मैं इसमें किसी हुई गाजर को ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गाजर को धो लीजिएगा, छील लीजिएगा अच्छी तरह, जिससे कि उसकी जो मिट्टी लगी रहती है पूरी तरह से निकल जाए। फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे गाजर को, तो गाजर सबसे पहले पानी छोड़ेगी, उसके बाद सूखकर इस तरह से फ्रेंड्स ड्राई हो जाएगी। साथ में आप मिल्क को भी गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, मिल्क कम हो जाएगा। आप गाजर के हलवे में डालेंगे तो आपका हलवा जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इसमें जैसे सूख जाएगा गाजर का हलवा तो वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा, तो आप इसमें चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले कम डालिएगा और बीच में टेस्ट कर लीजिएगा, यदि आपको कम लगे तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप गाजर के हलवे में चीनी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे गाजर के हलवे में दोबारा से हल्का हल्का मॉइस्चर पानी जैसा दिखने लगेगा। आप वेट करिएगा फिर से ड्राई होने का गाजर को, जब गाजर फिर से आपको कढ़ाई में चिपकने लगे, सूखने लगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से चिपकने लगे हैं कढ़ाई में, और साथ ही साथ आप फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स को भी रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही गाजर का हलवा गाढ़ा हो जाएगा, कढ़ाई में चिपकने लगेगा, हम इसमें डालने वाले हैं मिल्क। मिल्क ऐड कर देंगे, हलवे में ऐड कर देते हैं, इससे क्या होगा जैसे ही गाजर का हलवा मिल्क के साथ गाढ़ा होगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी ऐड हो जाएगा और आपका गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो गाजर के हलवे में खोवा भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ्रेंड बस इतना ही डालती हूँ, इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने ही मिल्क में ही मलाई पहले से ही डाल दी थी, तो मैं अलग से नहीं डालूँगी। मैं इस तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड्स के बाद मैं इसे मीडियम कर दूँगी और 30 मिनट के लिए करीब छोड़ देती हूँ। बीच बीच में आँखें कढ़ाई चलाती रहती हूँ, जिससे कि गाजर का हलवा कढ़ाई में चिपके ना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि गाजर के हलवे से मिल्क पूरी तरह सूख जाएगा और आपका गाजर का हलवा बनके पूरी तरह रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनके पूरी तरह रेडी हो चुका है। इसको खाइएगा, आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, और कमेंट्स करके शेयर करिएगा कि गाजर का हलवा। आती हूँ छत पे, जहाँ जिब्या मेरी बेटी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अभी तक देखा है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।